तो भाई घाटा रानी तो जा नहीं पाएंगे, कोई लिफ्ट वगैरह मिल नहीं रही, काफी टाइम हो गया, आध पौन घंटा हो गया। तो भैया बता रहे हैं भूतेश्वर। हाँ, क्या भैया? भूतेश्वर यहाँ से आपको पड़ेगा 22 किलोमीटर। भूतेश्वर टेम्पल है? टेम्पल है, दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग। अच्छा, दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग उधर ही है? पहले छोटा, आप बता रहे छोटा है? पहले इतना छोटा था, अब 60-70 फीट का हो गया। ये भाई ये देखो शिवलिंग। सो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, अनदर डे अनदर ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो भाई अभी मैं रायपुर में ही था और कल इतनी बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा बारिश हुई है यार यहाँ पर, और अभी भी मौसम बहुत ज़बरदस्त हो रखा है। तो भाई अभी मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, रायपुर से सीधा जा रहा हूँ घाटा रानी वाटरफॉल, जो कि काफ़ी अच्छा है यार। तो भाई घाटा रानी यहाँ से 80 या 85 किलोमीटर दूर है, और ये मैं अभी रेलवे स्टेशन पर ही था क्योंकि मेरा होटल सामने ही था रेलवे स्टेशन के, और वहाँ से मैं, ये एक बस स्टैंड है रेलवे स्टेशन के सामने, तो वहाँ आया हूँ। और जो यहाँ का रायपुर का बस स्टैंड है वो यार सिटी से बाहर बना दिया है अब, वो भी 15-20 किलोमीटर के आसपास है, मतलब 10-15 किलोमीटर होगा बाहर यहाँ से। तो देखते हैं यार घाटा रानी के लिए कैसे जाएँ। तो यहाँ बस है, इनसे पूछते हैं ये जाएगी क्या बस स्टैंड पर, बस स्टैंड जाएगी या फिर सीधा घाटा रानी के लिए बस मिलती है, तो वो देखते हैं। मैडम घाटा रानी के लिए बस जाएगा, कहाँ से मिलेगा मैम? अच्छा वाइट बस से, ओके थैंक यू। इधर से तो नहीं मिलेगा, आगे एक बस खड़ी है तो वहाँ जाके देखते हैं। और ये मौसम है भाइयों, और ये रेलवे स्टेशन है रायपुर का, ये देखिए मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है यार। सामने रायपुर रेलवे स्टेशन है, और ये सामने यार टेंपल बना हुआ है बहुत ज़बरदस्त, जय श्री राम। यहाँ से तो बस जाएगा नहीं यार, आगे ऑटो पकड़ते हैं और बस स्टैंड चलते हैं जो कि 10 किलोमीटर के आसपास है यहाँ से, बस स्टैंड से वहाँ से फिर घाटा रानी चलते हैं। रायपुर के बस स्टैंड में पहुंच गया यार, बस स्टैंड तो काफ़ी ज़बरदस्त है यार। श्री बालाजी स्वामी ट्रस्ट श्री दूधाधारी मठ अंतर्राष्ट्रीय बस टर्मिनल, वाह ये देखो यार। गजब है भाई गजब, ये देखो। चलते हैं भाई बस पकड़ते हैं, सीधा निकलते हैं घाटा रानी। भाई यहाँ से पांडुका और छूरा 72-70 किलोमीटर दूर है, और जो घाटा रानी वाटरफॉल है वो डायरेक्ट कोई बस नहीं है, तो पांडुका जाओ यहाँ से रायपुर से या फिर जाओ छूरा। तो मैं निकल रहा हूँ पांडुका, और पांडुका से 26 किलोमीटर या 27 किलोमीटर वाटरफॉल रह जाता है, तो वहाँ से ऑटो लेना पड़ेगा। चलते हैं भाई, ये बस जाएगी पांडुका के लिए। ये टिकट है भाई 90 रुपये की, सिग्नेचर कर दिया है, पूरा रेट वगैरह तो लिखानी है। व्यू देखो यार, तो भाई पांडुका पहुंच गया हूँ यार, पर यहाँ से जो घाटा रानी है वो 24 किलोमीटर, और यहाँ से व्हीकल मिलना मुश्किल ही है, मतलब ऑटो वगैरह तो चलती नहीं है, बस आती है उनका भी टाइम है, और वो पता नहीं कब आएगी मुझे तो पता नहीं है। और बस भी वो जाएगी जमाई तक जाएगी, जमाई के बाद 7-8 किलोमीटर आपको कच्चा रोड पैदल चलना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है रॉन्ग डिसीजन ले लिया घाटा रानी वाटरफॉल का, फिर भी देखते हैं, ट्राई करते हैं किसी से पूछ के, मिलता है नहीं मिलता कोई जाता है, शायद कोई टूरिस्ट जा रहा हो देखने के लिए, कोई मिल जाए वैसे भाई लक। तो अभी तो भूख लगी है यार, भैया क्या है खाने को? बड़ा बड़ा ही लगा दो यार,
बड़ा लगा दिया, बड़ा ही गर्म निकाला भैया ने, तो बड़ा खाते हैं फिर देखते हैं कैसे जा सकते हैं, अदरवाइज फिर यहाँ से वापस चलते हैं रायपुर। तो भाई घाटा रानी तो जा नहीं पाएंगे, कोई लिफ्ट वगैरह मिल नहीं रही, काफ़ी टाइम हो गया, आध पौन घंटा हो गया। तो भैया बता रहे हैं भूतेश्वर, क्या भैया भूतेश्वर यहाँ से आपको पड़ेगा 22 किलोमीटर। भूतेश्वर टेम्पल है, टेम्पल है दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग। अच्छा दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग उधर ही है, तो पहले छोटा आप बता रहे छोटा है, पहले इतना छोटा था, 60-70 फीट, अब 60-70 फीट का हो गया। तो यार ये तो इंटरेस्टिंग चीज़ है इधर। तो कितना किलोमीटर है, 22 किलोमीटर यहाँ से, 22 किलोमीटर यहाँ से गई है, उसके बाद 5 किलोमीटर यहाँ से, 22 किलोमीटर यहाँ से, 22 किलोमीटर उसके बाद 5 किलोमीटर उससे, 5 किलोमीटर अंदर। तो यहाँ से मिलेगा कुछ व्हीकल वगैरह, सब मिल जाएगा। अच्छा तो भूतेश्वर ही बोलना है, भूतेश्वर भाई चलते हैं, भूतेश्वर टेम्पल देखते हैं। ये ठीक है यार, वाटरफॉल कभी दोबारा राउंड लगेगा छत्तीसगढ़ में तो जब देखेंगे, क्योंकि अपने व्हीकल से ही आऊँगा या फिर मैं रायपुर से कोई प्राइवेट टैक्सी या व्हीकल करके ही आऊँगा इधर आऊँगा। तो अभी भूतेश्वर टेम्पल चलते हैं, सबसे बेस्ट वही है। गड़ीवन पहुंच गया हूं यार मैं, और गड़ीवन से यहां से 4-5 किलोमीटर पड़ेगा भूतेश्वर टेम्पल। तो देखते हैं यार ऑटो जाएगा या लिफ्ट मांगते हैं किसी से। भैया भूतेश्वर टेम्पल के लिए यहां से जाएगा ऑटो वगैरह? ऑटो अच्छा ढूंढना पड़ेगा। अच्छा जाएगा भाई ऑटो जाएगा, देखते हैं। ये है भाई एंट्री गेट भूतेश्वर टेम्पल का, शिवलिंग की तरफ चलते हैं। मार्केट लगी हुई यार, ये है भाई ये देखो शिवलिंग। ये है भाई शिवलिंग, इंडिया का सबसे बड़ा शिवलिंग, जो कि ऊंचाई इसकी है 18 फीट और चौड़ाई 20 फीट है इसकी। ये देखो यार हाथ मुंह धोते हैं यार यहाँ पर ना, इधर है। तो ये है भाइयों, ये रायपुर से आपको पड़ेगा 99 किलोमीटर दूर, पूरा 99 किलोमीटर है, और इसे ही बोलते हैं भूतेश्वर महादेव। और जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं वो बोलते हैं इसको भकुरा, भकुरा महादेव। भकुरा मतलब होता है घुराना, मतलब कि एक तरह से बुलाना। तो ये है भाई, मैं अंदर जा रहा हूँ थोड़ा मत्था टेक के आता हूँ भाई। और सरकारी विभाग के अनुसार ये हर साल इसकी वो होती है जांच होती है, हर साल जांच करते हैं गवर्नमेंट, और हर साल ये 6-7 इंच बड़ा ही मिलता है। और यही है भाई सबसे बड़ा शिवलिंग इंडिया का, ये देखिए। पहले यहाँ बहुत घना जंगल था, 30 साल पहले ये मंदिर बनाया गया, मतलब 30 साल से यहाँ पर पूजा हो रही है। पहले यहाँ पर जंगल था और गाँव के लोग थे वो, एक बार क्या हुआ कहानी बताई जाती है, मतलब जो कहानी है यहाँ की, कि गांव के लोगों ने देखा कि किसी बैल के घुर्राने की आवाज़ आ रही है, तो वो यहाँ पर टीले पे ढूंढने आए, पर उन्हें ना कोई जानवर मिला ना कोई बैल मिला। फिर बाद में धीरे धीरे ऐसे चलता रहा और फिर लोगों ने यहाँ पर पूजा करनी स्टार्ट कर दी और ये शिवलिंग की स्थापना कर दी, जब से यहाँ पर भूतेश्वर महादेव की पूजा होती है। तो ये है भाई, ये देखो भाई फुल फ्रंट, फुल फ्रंट दिखाता हूँ आपको। पीछे की तरफ चलते हैं और राउंड लगाते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया 18 फीट की ऊंचाई है शिवलिंग की और 20 फीट की चौड़ाई है,
जय श्री राम, जय श्री राम, भगवान श्री राम जी की मूर्तियाँ हैं। ये देखिए भाई, पीछे स्कल्पचर बना रखा है। ये देखिए भाई, भोलेनाथ और माता पार्वती और गणेश भगवान और कार्तिक भगवान, चारों की मूर्ति बना रखी है। इधर पीछे भोलेनाथ बाबा, माता पार्वती, गणेश भगवान और कार्तिक भगवान, चारों की मूर्ति बना रखी है। और शेष नायक आ गए हैं। तो यही है भाइयों, शाम के 5 बज गए हैं और यहाँ से मैं सीधा निकल रहा हूँ रायपुर के लिए, और रायपुर से फिर मुझे जाना है नागपुर। तो भाई आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।